नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 में हमारी हिंदी निवारी की कक्षा में हमारा पूर्व में बिहारी के जो दोहे हैं बिहारी ससे के वो चल रहे थे, जिसका आज हम चौथा भाग करेंगे और ये हमारा अंतिम भाग है। हमारे कुल 20 हमारे दोहे हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसमें से हम 15 की व्याख्या पूर्व में कर चुके हैं, भावार्थ समझ चुके हैं उनका। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे 16 नंबर दोहे से। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात बरे मोहन में करत है नैनन ही सो बात। प्यारे बच्चों, इस दोहे में बिहारी ससई ने जो नायिका के नेत्रों की और उसकी जो लज्जा है, नायिका के नेत्रों के जो संकेत है उनकी लज्जा है, उनके विषय में कवि बिहारी यहाँ पर बताते हैं कि नायक और नायिका भूमिका के रूप में देखें भी, नायक और नायिका जो भरे भवन में भरे मान अपने भरपूर परिवार के साथ में क्या है बैठे हैं, और नायक द्वारा नायिका को प्रस्ताव दिया जाता है उससे मिलने का, तब जो उनके बीच में संकेतों के माध्यम से जो वार्ता होती है उस बातचीत को यहाँ पर कवि बिहारी बताते हैं। कहत नटत रीजत, कहत मैंने कहते हैं, नटत मैंने मना करना, रीजत मैंने रीझना, खिजत मैंने खींचना, मिलत मैंने मिलना, खिलत मैंने प्रसन्न होना, लजियात मैंने लज्जा में, भरे भवन में मैंने भरे हुए मैंने जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य हों, भवन भवन में भवन में करता है मैंने बात करते हैं, नैनन ही सो बात, नैनन ही नेत्रों के माध्यम से ही क्या करते हैं बात करते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि जो सखी दूसरी सखी से नायक और नायिका के नेत्रों के संकेतों के माध्यम से जो बात होती है और जो लज्जा है उसकी चर्चा कर रही हैं, तो सखी कहती है कि है सखी कि भरे भवन के अंदर नायक और नायिका बैठे हैं और नायक द्वारा नायिका को नेत्रों के संकेतों के माध्यम से कहत कहा जाता है, मिलन के प्रस्ताव दिया जाता है, तब नायिका द्वारा नेत्र के संकेत के माध्यम से ही मना कर दिया जाता है, और जो मना करने का जो तरीका था नायिका के द्वारा करने का, उस तरीके पर नायक क्या हो जाता है रीझ जाता है, उसे मतलब अच्छा लगता है, और जब वह प्रसन्न होता है तब उसकी प्रसन्नता पर नायिका को क्या चढ़ती है खीझ चढ़ती है, तब वो खींच जाता है, और जब इस तरह की वार्ता उनके नेत्रों के संकेतों के माध्यम से होती है तब दोनों के नेत्र क्या हैं एक ऐसा समय आते हैं कि मिलत मिल जाते हैं, और जैसे ही दोनों के नेत्र एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या है खिलत उनका हृदय खिल जाता है, वे प्रसन्नचित होते हैं, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती सी प्रतीत होती है, तो जब वो प्रसन्न होते हैं तो नायिका को उसी समय अपने परिवार वालों की के बैठे होने की जो बात है वो ज्ञात होती है, और वह लज्जा लज्जियात और लज्जित हो जाती है, अर्थात अपने मुख को छिपा लेती है, अपने नेत्रों को उस नायक से परे कर लेती है। तो इस प्रकार यहाँ पर भरे भवन के अंदर परिवार वाले सदस्यों के साथ नायक और नायिका के जो नेत्रों के संकेत की बात है, वो बात है जो लज्जा है वो यहाँ पर बिहारी ने बताई है कि सर्वप्रथम नायक द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है, कहा जाता है, नायिका द्वारा मना किया जाता है, फिर नायक उस प्रस्ताव पर के मना करने के तरीके पर रीझ जाता है, तो रीझने पर नायिका खींचती है, फिर उनके नेत्रों का मिलन होता है, वो प्रसन्नचित होते हैं, और अंत में नायिका लज्जित होती है और अपने मुँह को फेर लेती है। तो इस प्रकार यहाँ पर संकेतों के माध्यम से भी बात कैसी की जाती है इसका ज्ञान बिहारी को है। बिहारी के जो दोहे हैं वो बहुज्ञाता है, बहुभाषाविद हैं, अच्छी इनकी जो सूक्ष्म क्या कहते हैं कल्पनाएं हैं कि किस प्रकार श्रृंगार के संयोग और वियोग के पक्षों की चर्चा करते हैं वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ श्रृंगार था, संयोग पक्ष था, अब हम उसके वियोग पक्ष की बात करते हैं अगले दोहे में। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात कहिए सबु तेरो हियो मेरे हिये की बात। कागज पर लिखत न बनत, कागज मैंने कागज पर लिखत मैंने लिखते, न बनत मतलब बना नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, कहत संदेश लजात और संदेश को कहते हुए क्या होती है लजात मैंने लज्जा आती है, कहिए सब तेरो हियो भी तुम्हारा हृदय जो कहता है मेरे हिये की बात वही मेरे हिये मैंने मेरे हृदय की बात है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कवि बिहारी जी ने नायिका की विरह अवस्था की जो हृदय की व्याकुलता है और उस व्याकुलता को जो नायक के पास पहुंचाने की बात करती है। यहाँ पर जो नायिका है वो पोषित पतिका है, जिसका जो नायक मैंने जो प्रियतम है पति है वह क्या है प्रवास पर गया हुआ है,
तो वह अपना संदेश, अपनी बात नायक तक पहुंचाना चाहती है, परंतु विरह व्यथा की इतनी व्याकुलता के कारण, कंपन के कारण, पसीनों के कारण वह क्या है कि संदेश को लिख नहीं पाती। तब वह कहती है कि कागज पर लिखत न बरत, कि नायिका अपने प्रियतम के लिए संदेश लिखने का प्रयास करती है, तो उस प्रयास के दौरान व्याकुलता इतनी अत्यधिक है कि उसके हाथ कांपते हैं, पसीना आने लगता है, और उसके कारण क्या है, कागज पर वह संदेश को लिख नहीं पाती है। परंतु वह सोचती है कि चलो लिख नहीं पाए तो कोई बात नहीं, मैं अपने संदेश को किसी के माध्यम से कहलवा दूँ। तो कहत संदेश लजात, परंतु जब अपने हृदय की बात को वह किसी दूसरे व्यक्ति से कहती है, मैंने किसी दूत के माध्यम से वह कहलवाना चाहती है, तब कहते हैं कि वह संदेश कहते हुए लज्जा आती है, क्योंकि अपने हृदय की बात, अपने मन की गोपनीय बातें अपने प्रियतम से कहनी है और वो किसी दूत के माध्यम से कहलाई, किसी और को कहते समय भी उसे क्या आती है, लज्जा आती है, इसलिए वह क्या करती है, उस संदेश को कह भी नहीं पाती है। अंततः नायिका क्या कहती है कि कहियो सब तेरो ही, वो अपने प्रियतम से ही कहती है कि हे प्रियतम, अगर मेरा प्रेम सच्चा है, अगर मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो कहिए सबु तेरो यो, कि आपका हृदय मेरे लिए जो बात कहता है, मेरे ही की बात, वही मेरे हृदय की बात है, कि आपका हृदय मेरे बारे में क्या सोचता है, वही ही बात, वही कथन, वही व्याकुलता बेचैनियाँ मेरे हृदय की बातें हैं। कब? जब अगर उसका प्रेम सच्चा है, अगर वास्तव में वह उससे प्रेम करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वियोग की अवस्था में संदेश का न लिखित बनना और कहते हुए भी संदेश को क्या करना, लज्जा आने पर अपने हृदय की नायक द्वारा ही कल्पना कर लेना कि उसका हृदय क्या कहना चाहता है, यह कल्पना बिहारी ने यहाँ पर इस दोहे में की है। प्यारे बच्चों, जो अगला दोहा है, कहते सबे बेंदी दिए अंकु दस गुनो हो तू, तिये लीलार बेंदी दिए अग्नि तो बढ़त उदो तू। अब यहाँ पर कहे कहते सब बेंदी दिए, कहते मैंने कहते हैं, सब मैंने सभी, बेंदी मैंने होती है बिंदी जिसे हम शून्य कहते हैं, दिए मैंने देने पर, अंकु मैंने कोई भी अंक होता है, दस गुनो हो भी किसी अंक के आगे अगर बिंदी लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, तो कहते हैं कि वह अपने से दस गुना हो जाता है। तिये लीला मैंने स्त्री का जो मस्तक होता है, बेंदी दिए स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगा देने पर, कहते हैं अग्नितु बढ़त उदोत, परंतु उसका जो प्रभाव है, मैंने जो यहाँ पर दस गुना था, यहाँ पर जो प्रभाव है वो कि अग्नित बढ़ जाता है, कि उसका जो प्रभाव है, उसके जो प्रकाश है, या हम यूँ कहें भी उसका जो संख्या है बढ़ने की, वह अनगिनत हो जाती है। तो यहाँ पर नायिका के सुंदरता की बात एक बिंदी से लेकर के कही गई है, और कहते हैं कि इसमें प्यारे जी कि कहते समय बेंदी दियो अंकु दस गुनो हो तू, कि गणित शास्त्र का ये नियम है कि किसी भी संख्या के बाद में अगर शून्य लगा दिया जाता है तो वह संख्या अपने से दस गुना बढ़ जाती है। परंतु सौंदर्य शास्त्र का नियम थोड़ा अलग है, उसमें कहते हैं कवि बिहारी सौंदर्य शास्त्र के नियम के अनुसार बताते हैं कि तिये लीलार जो स्त्री है मैंने नायिका की मस्तक पर बेंदी मेरे बिंदी लगा देने पर उसका जो सौंदर्य है वो के अनगिनत गुना बढ़ जाता है, अर्थात उसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सौंदर्य शास्त्र और गणित शास्त्र के नियमों की बात बिहारी ने इसमें की कि सामान्य नियम के अनुसार किसी संख्या के आगे जीरो लगाने पर दस गुना बढ़ता है, परंतु सौंदर्य शास्त्र में नायिका की सुंदरता अगणित रूप से उस समय बढ़ जाती है जब वह अपने माथे पर क्या लगा लेती है, बिंदी लगा लेती है। हम आगे बात करते हैं, दीठी ने परतु समान दुती, कनक कनक ते गात भूषण कर कर कस लगत परसी पिछाने जात। दीठी न मैंने दिखाई नहीं पड़े, दृष्टि नहीं पड़े, परतु पढ़ने पर समान दुती समान चमक क्या है, कनक कनक ते गात। अब यहाँ पर इस कनक का मतलब सोने से लेना, यहाँ कनक का मतलब सोना ही है, परंतु यहाँ पर स्वर्णिम आभा के रूप में कहा गया है, ते गात मैंने शरीर, क्या स्वर्णिम आभा शरीर के लिए यहाँ आभा है, ये सोना है। भूषण कर कर्कस लगत, भूषण मैंने आभूषण गहने होते हैं, कर मैंने हाथ,
कर्कश मैंने स्पर्श करने पर वो थोड़े कठोर प्रतीत होते हैं, लगत मैंने लगते हैं। परसी पिछाने जात, परसी मैंने छूने पर, स्पर्श करने पर, पिछाने मैंने पहचाने जाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो नायिका की गोरवर्ण की जो स्वर्णिम आभा है, मैंने जो गोरवर्ण है जिसे हम स्वर्णिम आभा भी कह देते हैं, स्वर्ण सा रंग है, उस आभा की तुलना समानता किससे, कनक से करते हुए कहा कि दोनों के प्रभाव के कारण, दोनों के समान चमक के कारण क्या है कि वह दिखाई नहीं पड़ती और उनके स्पर्श करने पर ही पता चलता है कि नायिका ने आभूषण पहने हैं या उसके स्वयं का ही रंग वैसा है। तो यहाँ पर कहा है दीठी ने, परंतु बिहारी कहते हैं कि दिखाई नहीं पड़ती कौन, नायिका, कब, समान दूती के कारण, किसके कारण, समान चमक के कारण, कौन से समान चमक, सोने किसी आभा के कारण। शरीर जो है नायिका का स्वर्णिम है, गोरवर्ण वाली है और उस नायिका ने आभूषण पहन रखे हैं, तो उस नायिका ने आभूषण पहन रखे हैं या उसका शरीर ही वैसा है, उस के उसका जो कारण है समान चमक है सोने का, और शरीर की चमक के कारण क्या है, दोनों के दोनों एक जैसी द्युति, एक जैसी चमक वाले प्रतीत होते हैं। परंतु कहते हैं कि जब नायिका के भूषण कर कर्कश लगा था, परंतु जब हम नायिका को स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने पर जहाँ पर हमें कठोरता का आभास होता है वहाँ पर तो लगता है कि उसने आभूषण पहन रखे हैं, और जैसे ही शरीर के कोमल अंग पर हाथ जाता है, मैंने जहाँ पर कठोरता नहीं आती, जहाँ मुलायमपन आ जाता है, जहाँ कोमलता आ जाती है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि वह नायिका का अंग है। कहने का मतलब नायिका इतनी अत्यधिक सुंदर है कि नायिका का गोरवर्ण और उसके पहने हुए आभूषणों की जो दोनों की आभा है वो एक जैसी है, तो उसने आभूषण पहने या नहीं पहने इसका आभास नहीं हो पाता। तो कवि कहता है कि जब हम नायिका को स्पर्श करते हैं जहाँ पर हमें उसकी कठोरता का आभास होता है वहाँ प्रतीत होता है कि उसने आभूषण पहन रखे हैं, और जहाँ पर हमें कोमलता का एहसास होता है वह उसके शरीर का अंग लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर नायिका की जो सुंदरता है वो क्या है, स्वर्णिम आभा वाली है, और उसने सोने के गहने जो पहन रखे हैं उनके दोनों के आभा के कारण वह दिखाई देती नहीं है। इसी प्रकार आगे कहा गया है कि अंग अंग जगमगत दीप शिकासी देह दिए बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजारोगे। कहते अंग अंग मैंने शरीर का एक एक अंग की बात की गई है, जगमगत मैंने जगमगाता है मैंने रोशनी में, दीप शिकासी देह, दीप शिका होती है दीपक की लो के समान, क्या है, देह मैंने शरीर, क्या शरीर क्या है, दीपक की लो के समान प्रतीत होता है, किस कारण, अंग अंग जगमगाने के कारण। दिया बढ़ाए हूँ रहे पड़ो उजारोगे, दिया बढ़ाए हूँ रहे कि रात्रि में हम दीपक जलाते हैं प्रकाश के लिए, तो कहते हैं कि दिया अगर बढ़ा दिया जाए अर्थात दीपक को बढ़ा मैंने बुझा भी दिया जाए तो बड़ो मैंने ज़्यादा फैलाव रहता है, उजियारो मैंने प्रकाश का, गे मैंने घर में, कि घर में प्रकाश का फैलाव फिर भी रहता है। यहाँ पर कवि बिहारी ने नायिका के देह की तुलना दीपक की लो से की है और उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका के हर एक एक अंग मंग पर जो उसने जगमगाते आभूषण पहन रखे हैं उनके जो नग हैं उनकी इतनी ज़्यादा चमक है कि उसकी देह दीप शिखा की लो के समान अर्थात दिए की लो के समान लगती है। कहते हैं कि नायिका के लिए कहते हैं कि रात्रि में अगर दिए को बढ़ा दिया जाए अर्थात बुझा भी दिया जाए तो भी घर में क्या है प्रकाश फैला ही रहता है, क्योंकि नायिका इतनी सुंदर है कि घर में रात्रि में प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब कि नायिका के जो सुंदर आभूषण है और उसके जो शरीर गोरवर्ण है उसके कारण उसका जो शरीर है वो दीपक की लो के समान प्रतीत होता है, रात्रि में अगर अंधेरा कर देने पर भी, दीपक बुझा देने पर भी घर में प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह दीपक की लो के समान प्रकाशित करती रहती है अपने घर मकान को। इस प्रकार यहाँ पर नायिका का जो सौंदर्य है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। इस प्रकार हमने इनके जो कुल 20 दोहे थे वो पढ़े, तो हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। अगली कक्षा में नए पाठ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।